लोगों को नुकसान पहुंच जाए जिन लोगों के तुम लॉयर बने पड़े। मत करो यार, किसी को कुछ मत बोलो, कोई नेगेटिविटी स्प्रेड मत करो। सो अभी यहाँ पे एल्विस यादव कीर्ति मेहरा के रिसेंट वाले कॉन्ट्रोवर्सी पे अज्जू के वाइफ ने भी रिएक्ट करी है। जैसे कि आप लोगों को पता है, बहुत दिन से कीर्ति मेहरा को लेकर हेट मिल रहा था कि जहाँ पे कीर्ति मेहरा का नाम किसी से भी लिंक करके लोग कमेंट्स कर देते थे, मतलब वो जिसके साथ ही ब्लॉग वीडियो बनाती थी लोग उनके साथ उनको लिंक करके बैड कमेंट्स करने लग जाते थे, जो कि गलत भी थी। तो इस पे कीर्ति मेहरा ने प्रॉपर वीडियो बनाकर सबको रिप्लाई कर दिए थे, जहाँ पे रिप्लाई करते हुए काफी कुछ बोल गई। तो अभी इसी चीज पे अज्जू के वाइफ ने भी इनडायरेक्ट वे में बातें करी है। सो यार, हियर इज द क्लिप। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। जो है ना वो है, जब वो चाहेगा ना हमारा मैं यूं खत्म कर सकता है। मत करो यार, किसी को कुछ मत बोलो, कोई नेगेटिविटी स्प्रेड मत करो, कुछ भी मत बोलो किसी को। ठीक है यार, कर्म का फल हमें यहीं भोग के जाना है, यहीं हमें सब कुछ मिलना है, क्योंकि टाइम का कोई भरोसा नहीं है यार। जिसे जहाँ खुशी मिल रही है ना वहाँ खुश रहने दो, जिसे जो करके खुशी मिल रही है उसे वो करने दो। मैं वो करूँगी जिसे जिसमें मुझे खुशी मिलती है, सामने वाले को वो करने दो जिसे उस जिसमें वो खुश है। कोई दिक्कत नहीं है यार, सब अपनी लाइफ में मस्त रहो यार। तो बाकी गाइस, यहाँ पे आप लोग इस पे क्या कहना चाहते हो, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। और गाइस, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले ही लक्ष्य चौधरी ने अभिनव अरोड़ा पे रोस्ट वीडियो बनाए थे, जहाँ पर उन्होंने अभिनव अरोड़ा को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिए थे, जिसके बाद तो अभिनव अरोड़ा ऑलरेडी एक्सपोज होना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि अभी के टाइम पे ऑलरेडी वो एक्सपोज होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे इसी चीज पे लक्ष्य चौधरी ने फिर से यहाँ पे अभिनव अरोड़ा को अपने इंस्टा स्टोरी में आज पोक कर दिए। सो देखिए आप वो क्लिप। मुझे भाई एक बहुत बड़े ग्रुप की तरफ से धमकी आई, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे धमकी कहां से आ रही है। मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे बांके बिहारी मुझे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं उस विद्यालय में पढ़ता हूं जिसमें देश के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन पढ़ते थे। तो बाकी गाइस, यहां पे आप लोग अभिनव अरोड़ा को लेकर क्या कहना चाहते हो, इस पे अगर आप लोग अपना कुछ ओपिनियन है तो नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। तो चलो यार, फिलहाल इतना छोटा सा अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।